दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा प्रेगनेंसी का तीसरा महीना के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं, बदलाव, विकास, सब कुछ जाना। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे चौथे महीने के बारे में, यानी कि जो पहला ट्राइमेस्टर खत्म होता है और दूसरा ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का शुरू होता है, जिसके अंदर चौथे महीने से लेकर चार, पाँच और छः महीने का ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। वीक की बात करें तो चौथे महीने के अंदर 13 से 16 वीक जो होता है, उसके अंदर बच्चे का विकास किस प्रकार से, कौन से लक्षण दिखता है। वैसे तो दोस्तों, जो पिछले लक्षण होते हैं 1 से 3 महीने के अंदर नौसिया, वॉमिटिंग, वो इस महीने में या तो खत्म हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, और एक अलग एहसास होता है, बच्चा घूमने लगता है, तो ये चौथे महीने से स्टार्ट होता है। तो ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, साथ में कौन सा शारीरिक बदलाव होता है और कौन सी परहेजी रखनी है इसके अंदर, साथ में बच्चे का विकास कितना कैसा होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेश पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने बताया, इस प्रकार से गर्भवती को कुछ परेशानियों से राहत मिलती है, जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, ज़्यादातर वो इस महीने में खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो बात करते हैं उसके लक्षण की, तो इस महीने में ज़्यादातर देखें तो हार्ट बंस की, यानी कि एक प्रकार की सीने में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में भूख बढ़ती है क्योंकि बच्चे का विकास हो रहा है, तो खाने में उसको थोड़ी ज़्यादा भूख लगेगी, साथ में कभी कभी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अपच की, साथ में एनर्जी को महसूस करना यानी कि कमजोरी जैसा लगता है, चक्कर आना ऐसा लगता है, नौसिया, वोमिटिंग किसी को भी होती है इसी चौथे महीने में, साथ में त्वचा पर बदलाव आता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण ऐसा होता है, एक प्रकार की स्किन जो है सर स्किन पर एक असर पड़ता है उस हॉर्मोन्स का, एक झाइया सी दिखाई देती है, साथ में नाक पर सूजन जैसा भी कभी कभी होता है किसी को, बवासीर की भी प्रॉब्लम किसी महिलाओं को दिखाई देती है, सबको जरूरी नहीं है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब चलिए जानते हैं बच्चे का विकास के बारे में। तो जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता जाएगा, वैसे बच्चे की हलचल आप महसूस करने लगेगी। हो सकता है कि ये गर्भावस्था के चौथे महीने में आपको पहली बार अपने बच्चे की हलचल का एहसास होगा। जानिए चौथे महीने कि बच्चे के विकास कितना होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर एक उसका जो आकार एक बड़े संतरे के करीब हो सकता है, शिशु का वजन 113 ग्राम के आसपास हो सकता है, अंदाजित ये ग्राम है। हालांकि उसकी त्वचा अभी पतली है, लेकिन हड्डियाँ मजबूत होने शुरू हो जाती है इन दौरान। इस महीने में सिर, मुंह और पलकों के बाल आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ कुछ दिखाई देते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ कानों का विकास भी शुरू हो जाता है और वे कुछ आवाज़ें भी सुन सकता है, यानी कि कुछ आवाज़ होती है तो तुरंत वो हिलता है अंदर, तो आपको एहसास होता है, पता चलता है। तो इस प्रकार से बच्चे का विकास होता है। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी देखभाल रखनी है, यानी कि क्या खाएँ और क्या न खाएँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर गर्भावस्था चौथे महीने में कब्ज की समस्या न हो, इसलिए फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ताकि कब्ज न हो। वैसे तो दोस्तों, जो आयरन टेबलेट लेते हैं इनके कारण भी कभी कभी कब्ज की समस्या होती है, एक ब्लैक स्टूल आता है काले कलर का, तो जितना हो सके उतना फाइबर युक्त भोजन लीजिए, साथ में फैटी एसिड भी लेना जरूरी है, जो मेडिसिन है फॉलिक एसिड वो स्टार्ट चालू ही रखनी है, साथ में आयरन, तो साथ में इसके अलावा भी डेयरी प्रोडक्ट आपको लेना है, दूध ज़्यादा से ज़्यादा हो पीना है, दूध, दही, पनीर इसका सेवन करना जरूरी है, प्रोटीन युक्त आहार में दालें, चना, राजमा या फिर सोयाबीन का उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, तो वो भी अपने खाने में शामिल कर लीजिए। अगर मीट लेते हैं तो मीट भी ले सकते हैं इन दौरान, और जितना हो सके उतना ताज़े फलों का सेवन करिए ताकि हर प्रकार के विटामिन मिल सके, और ज़्यादातर आयरन युक्त भोजन है वो भी आपको लेना है, क्योंकि बच्चे का विकास के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है ताकि हीमोग्लोबिन का स्तर कम ना हो, इसलिए जितना हो सके उतना सब्जियां उसके अंदर पालक या फिर सेब को शामिल कर दीजिए, खाने में दाल भी ज़्यादा लीजिए और हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं जो भी उसका भी सेवन बढ़ा दीजिए। अब चलिए बात करते हैं कौन सी खुराक नहीं लेना है इस दौरान। तो पिछली वीडियो में जो बात की वही सॉफ्ट चीज़ें हैं या फिर मैदा या फिर उसके बाद उच्च मरकरी की जो मछलियाँ होती है वो भी नहीं खाना है, बाहर का खाना जितना हो सके उतना न ले तो बेटर रहेगा, फास्ट फूड, जंक फूड ये न खाएं, मसालेदार खाना भी न लें,
तो इस प्रकार से कुछ परहेज ही रखना है, बाकी जितना हो सके उतना ताजा और घर का बना खाना ठीक रहेगा। इस दौरान अगर एक्सरसाइज की बात करें तो आप सैर कर सकते हैं, कुछ चलना ठीक रहेगा, साथ में जो योगासन होता है जो मेडिटेशन वो आप कर सकते हैं आराम से, और दिन में अगर 15 से 20 मिनट जितना भी हो सके सुबह शाम करेंगे तो काफ़ी फायदा रहेगा आपको और दोनों बच्चे को भी। साथ में थोड़ा चलना सैर करना, सुबह चल सकते हैं, शाम को चल सकते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे चलना जरूरी है, ज़्यादा और ज़्यादा खास बात का ध्यान रखना है कि कमर के नीचे यानी कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव ना आए, ऐसा कोई भी काम या फिर इस प्रकार का शरीर को मूवमेंट नहीं देनी है ताकि बच्चे पर वजन आए। तो ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप चौथे महीने के अंदर केयर कर सकते हैं बच्चे का विकास। इस प्रकार से मैंने बताया, लक्षण भी के बारे में बात की, कौन सी परहेज रखनी, सब कुछ बात की है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पांचवें महीने के अंदर कौन से लक्षण, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।